इधर कौशाम्बी में पुलिस के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने दो घायल आरोपियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला महेवा घाट थाना क्षेत्र के डेरहा गांव का है, जहां रेप पीड़िता की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से कौशाम्बी पुलिस और एसओजी टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से दो अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। कैंपिंग के दौरान बदमाशों से आमना सामना हुआ, उसमें जो हत्या में सम्मिलित अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जो पुलिस पार्टी है उसने भी आत्मरक्षा फायरिंग की है, जिसमें हत्या में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो अशोक है उसको तीन गोलियां लगी हैं। इसका एक सहयोगी गुलाब भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों के कब्जे से 2 .315 बोर के तमंचे, काफ़ी संख्या में कारतूस और जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। इसके कुछ अन्य सहयोगी भी फरार हैं, जिनके लिए कैंपिंग चल रही है और जो नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।